One way that people have found to capture and retain the rainwater for later use is by building structures to hold the water and prevent it from flooding. One way that people have found, एक तरीके का जो लोगों ने ढूंढ लिया है या उन्होंने इजाद कर लिया है to hold the water, के पानी को रोक लिया जाए and prevent it, और उसको बचा लिया जाए, महफूज कर लिया जाए it from flooding, सैलाब से मुख्तलिफ स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं. दिस पे इस तरह से the retained water can be used throughout the year. इस साल जो रुका हुआ पानी है उसको इस्तेमाल किया जा सकता है for growing food, फसलें उगाने के लिए. One way in which water is stored is through barrages built on rivers. एक तरीके का ये है कि आप दरियाओं पर barrages बना दें. बैराज क्या होते हैं, मैं थोड़ी देर में इस पर डिस्कस कर लेते हैं. ये क्वेश्चन बेटा आपके पास आ सकता है. अब बैराज इज अ काइंड ऑफ वॉल. बैराज जो होता है वो एक तरह की दीवार होती है विच ब्लॉक्स द फ्लो ऑफ वाटर, जो कि पानी के बहाव को रोकता है. It has gates through which the water is allowed to pass in a limited quantity. इसमें gates होते हैं जिसके जरिए से मुनासिब मकदार में या कम मकदार में गुजारा जाता है या छोड़ा जाता है. Its aim is to control the flow of water. इसका जो मेन मकसद होता है वो पानी के बहाव को रोकना है. In the flood season, खासतौर पर उस मौसम में जब सैलाब का मौसम, इसको महफूज रखना है और एरिगेशन और इसको रिलीज करना है. ये लिखा जा रहा है एरिगेशन खेती बाड़ी के मकसद के लिए थ्रू द कैनाल्स थ्रू आउट द ईयर. नहरों के जरिए पूरे साल फिर ये पानी मुहैया होता रहता है. There might be se cut ka nishan hai jisse start video mein aata hai. Seen that there is no other student's mic which is open, so zara dekh lijiye. Javeri beta aapka mic khula hua hai. Apne mics ko off kar le. हाँ बेटा, आई हैव ऑलरेडी सेड. ठीक है बेटा, अपने माइक्स को ऑफ रखिए प्लीज, ताकि फिर दो दो आवाजें, क्योंकि अगर आप बैठे हैं कहीं पे किसी भी जगह पर तो आपका जो साउंड है हो सकता है दूसरे लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर रहा हो. तो इसलिए काइंडली कीप योर माइक्स ऑफ एंड कीप योर वीडियोस ऑफ एज वेल. जो नहरों के जरिए पानी बाद में छोड़ा जाता है, जिसको बचा लिया जाता है थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल उसको इस्तेमाल किया जाता है. The Guddu Barrage built on the river Indus. एक बैराज का नाम यहाँ पे बता रहे हैं जिसका नाम गुद्दू बैराज है, जो कि दरियाए सिंध पर बनाया गया है. Is one of the many barrages built in Pakistan. पाकिस्तान में बनाए जाने वाले बहुत सारे बैराज में से एक बैराज है. It is built at a place where the river is 14 kilometers in width. ये याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि एक ऐसी जगह पे बनाया गया है जहाँ पर जो दरिया है उसका जो उसकी जो विथ है, उसकी जो चौड़ाई है, वो तकरीबन 14 किलोमीटर दूर, 14 किलोमीटर है. 14 किलोमीटर इज बिग थिंग बेटा. 14 किलोमीटर आप यहाँ से लगा लें तो मेरा ख्याल है कारसाज के नज़दीक नज़दीक हो जाएगा जो 14 किलोमीटर होगा. तो आप लगाइए इतना बड़ा वहाँ पर दरिया है. इट इज़ डिज़ाइन टू फेस द वाटर, फोर्स द वाटर. ये इस तरह बनाया गया है कि वो पानी को फोर्स के जरिए भेजता है. स्प्रेड ओवर 14 किलोमीटर्स, और ये पानी जो है वो फैला हुआ है 14 किलोमीटर के एरिया में, जो पास थ्रू अ नैरो बैराज, जो कि बहुत ही तंग दरवाजे के जरिए भेजा छोड़ा जाता है. अबाउट 1 किलोमीटर वाइड, और इसको भेजा जाता है तकरीबन 1 किलोमीटर. अब आपके पास ये बात बड़ी समझने वाली बात है कि होता क्या है कि 14 किलोमीटर का रास्ता है और उसको गेट लगाकर, बहुत सारे गेट लगाकर बंद किया गया है, और उसमें से जो पानी छोड़ा जाता है वो सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर में से छोड़ा जाता है. तो आप लगा लीजिए पर आप लोगों के पास स्केल्स मौजूद होंगे. अगर आपके पास स्केल है और वो आप उसको बेटा कीप योर कैमराज ऑफ,
आपके पास अगर स्केल है और वो 12 फुट का है, 12 इंच का है चलिए लगा लीजिए, और उसको आप किसी पानी के किसी बहाव को जो कि 12 इंच में से बह रहा है उसको रोकें और उसको सिर्फ 1 इंच में से गुजारने की कोशिश करें, तो वो जब उसका प्रेशर होगा आप लगा लीजिए हिसाब के कितना शानदार होगा। तो जब 14 किलोमीटर का प्रेशर होगा और उसको आप रिड्यूस करके 1 किलोमीटर में करेंगे तो उसका जो फ्लो होगा कैसा शानदार बनेगा या उसका जो प्रेशर होगा कितना अच्छा बनेगा आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। द बिराज इज 1355 किलोमीटर इन लेंथ। बिराज की जो चौड़ाई है वो तकरीबन 1355 किलोमीटर है उसकी पूरी जो चौड़ाई है। इट इज मेड इन सच अ वे, इसको इस तरह बनाया गया है दैट अ फ्लड ऑफ अबाउट 1.2 मिलियन क्यूसिक्स कैन पास थ्रू इट। अब इसमें से इतना सारा सैलाब जो है 1.2 मिलियन, मिलियन मीन 1 मिलियन इज 5-10 लाख, तो मोर देन 20 लाख क्यूसिक पानी जो है वो यहाँ से गुजरता है बड़े आसानी से। द गिद्दो बिराज इज अ सिस्टम ऑफ 3 मेन केनाल्स, यहाँ पर एक सिस्टम पे बनाया गया है और इसमें 3 केनाल्स हैं या 3 नहरें हैं। 2 ऑफ दीज आर ऑन द राइट बैंक, उनमें से 2 जो है वो दाहिने तरफ है सीधे हाथ है, एंड 1 ऑन द लेफ्ट, और 1 लेफ्ट साइड पर है। द बिराज सिंध फीडर एंड द डिजर्ट पैट फीडर आर ऑन द राइट बैंक बैंक, ये 2 नहरें हैं जो कि सीधे हाथ पर हैं। The third canal, the Gutki feeder is on the left, और वो जो Gutki canal है वो left side पर है। बेटा आप अगर गौर से देख सकते हो तो ये बिराज है, ये यहाँ पर, right? ये इसके नीचे, अगर आप कर्सर इमेज कर्सर के साथ रह सकते हैं, ये इसके नीचे दरवाजे लगे हुए होते हैं। इस तरह के यहाँ पर बहुत सारे दरवाजे लगे होते हैं, उन सारे दरवाजों को गेट्स को बंद कर लिया जाता है और उस पानी को स्टोर कर लिया जाता है, उसको आहिस्ता आहिस्ता सिर्फ 1 गेट में से गुजारा जाता है। फर्ज ये करिए कि एक जो गेट है हम उसको एक आइडिया ले लेते हैं कि 14 किलोमीटर है, एक किलोमीटर है, तो 14 इस तरह के दरवाजे होंगे, तो एक को खोला जाएगा बाकी सब बंद कर दिए जाएंगे। एक बात, दूसरी बात, ये इसको मैं लेसन को कम्प्लीट करता हूँ। आई हैड गिवन यू होमवर्क, अगर याद हो वो होमवर्क भी मैं अभी आप लोगों से पूछूंगा कहाँ तक पहुंचा है। The 3 canals are all amongst the largest feeder canals in the world. दुनिया के सबसे बड़े नहरी निजाम का एक हिस्सा है जो कि हमारे पास नहरी निजाम है। The barrage is meant to irrigate an area of 2.7 million acres. बेटा इस बिराज के जरिए 2.7 मिलियन एकड़ अराजी जो है उसको काश्तकारी की जा सकती है। Most of the area lies in Sakhar and Jekbabad district of Sindh. ज्यादातर जो हिस्सा है इसका वो सक्कर और जेकबाबाद डिस्ट्रिक्ट में है सूबा सिंध में, एंड द रेस्ट इन कल्लात डिवीजन ऑफ द बलूचिस्तान प्रोविंस, और बाकी का जो हिस्सा है वो बलूचिस्तान का एक डिवीजन है जिसका नाम कल्लात है, वहां पर चला जाता है। द गिद्दो बिराज इज वन ऑफ द बिगेस्ट बिराजेस ऑफ पाकिस्तान। कहा जा रहा है कि गिद्दो बिराज पाकिस्तान के सबसे बड़े बिराजों में से एक बिराज है। इट हैज आल्सो बीन द मोस्ट बीन द कंप्लीट, ये बात भी याद रखिए कि ये बिराज जब बनाया गया था मुश्किल तरीन बिराज था कंप्लीट करने के लिए। मोर देन 5000 इंजीनियर्स टेक्नीशियंस एंड लेबरर्स वर्क डे एंड नाइट टू कम्प्लीट इट। 5000 तकरीबन इंजीनियर टेक्नीशियंस और जो मजदूर थे मिस्त्री थे उन्होंने इस पे दिन रात काम किया था इसको मुकम्मल करने के लिए। इट वॉज पुट इन टू ऑपरेशन ऑन 4 फरवरी 1962। ये एमसीक्यू में शायद काम आ सकता है। इसको बाकायदा शुरू किया गया 4 फरवरी 1965 में। द बिराज हैज स्टेन्ड द वाटर एंड पुट एन एंड टू द डैमेज कॉज्ड बाय फ्लड्स इन दिस एरिया। बिराज हैज स्टेन्ड, टेम का मतलब बेटा आमतौर पर आपने देखा होगा जानवर होते हैं जंगली जानवर होते हैं उनको पालतू बना देना, तो ये एक मेटाफोरिकली यूज किया गया है या इस्लाहतन यूज किया गया है कि बिराज को क्या किया, बिराज के पानी को जो कि बहुत बिफरा हुआ था बहुत खराब था उसको डोमेस्टिक टाइप बना लिया गया है, और उससे होता ये है कि अब जो डैमेज होती थी उस एरिया में पानी की वजह से वो खत्म हो गई है। इट इज अबाउट टाइम दैट द गवर्नमेंट स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग
more barrages to control flooding during the rainy season. अब ये वक्त आ चुका है कि आप लोग आमतौर पर सुनते होंगे कि जून जुलाई में या जब मॉनसून का मौसम होता है तो उसमें बारिशें होती हैं और फ्लड आते हैं. राइटर ये लिख रहे हैं कि आमतौर पर अब गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट को चाहिए कि मजीद बराज बनाए ताकि ये जो मसले हैं इनको मुकम्मल तौर पर इनसे निजात हासिल की जा सके. कौन सा मसला? फ्लड का. एंड टू सप्लाई वाटर थ्रू आउट द ईयर, और इससे ये भी फायदा होगा कि पूरे साल पानी भी मुहैया हो सके फॉर इरीगेशन. और किसके लिए? ये जो आपके इरीगेटिंग मोर लैंड, ताकि मजीद जो काश्तकारी है जमीनों पर की जा सके. दैट एंड सो दैट पाकिस्तान बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन मीटिंग इट्स डिमांड्स फॉर गिर ग्रेन्स, ताकि पाकिस्तान जो है जो चना गंदम और दूसरे अनाज हैं उनके लिए सेल्फ सफिशिएंट हो सके. सेल्फ सफिशिएंट का मतलब होता है खुद कफील, मतलब हम खुद पैदा कर सकें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और इसके साथ साथ हम फ्रूट बना सकें, बना उगा सकें और वेजिटेबल उगा सकें. इनफैक्ट यकीनन प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट कैन अलाउ अस टू ग्रो सल्फर फूड आइटम्स, सरप्लस फूड आइटम्स. हम बहुत सारा ऐसा आइटम बना सकते उड़ा सकते हैं जो सरप्लस, उगा सकते हैं जो सरप्लस हो. बेटा सरप्लस का मतलब होता है जो हमारी जरूरत से ज्यादा हो, विच वी कैन देन एक्सपोर्ट एंड अर्न फॉरन एक्सचेंज, जो कि हम बाहर भेज सकते हैं और इससे मजीद बाहर की करेंसी में पैसे ले सकते हैं. बेटा यहाँ तक किसी को क्वेश्चन कोई पूछना हो किसी ने पूछ सकते हैं. एनीथिंग? वो नीट एंड क्लीन भी होनी चाहिए. Of course that would be expensive. हाँ थोड़ा सा expensive होगा, लेकिन अगर हम करना चाहें, government करना चाहे तो कर सकती है. If we think that suppliers of water is not giving us clean water, we should change the supplier. चलें एक ये भी option आ गया है, किसी ने दिया है कि हमें supplier को change कर देना चाहिए. Boiled water वाला idea बहुत अच्छा है. Avoid wastage of water हमारी responsibility में है, ये भी हमारी responsibility है, ठीक है. Filtration, अच्छा इसको मैं वहां पे कर देता हूं. ये हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी में डाल दिया. अवॉइड और रिस्पॉन्सिबिलिटी जी, यहां पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिस्कस की है एक स्टूडेंट ने, एंड दैट इज क्वाइट नाइस. और वो ये है कि हमें ये देखना चाहिए कि पानी कहीं चोरी तो नहीं हो रहा, मीन द रॉन्ग पर्पसेस के लिए यूज तो नहीं हो रहा. कोई और चीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, कोई और चीज? उसके बाद हमें अपना टॉपिक चेंज करना है, जल्दी करिए. रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्लीनिंग भी हो सकता है. एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होनी चाहिए, एंड दैट इज सेव रेन वाटर, ठीक है जी. और दूसरा क्या है? स्टोर रेन वाटर, ठीक, गुड हो गया जी. राइट, आई एम ट्राइंग टू जस्ट कॉपी इट ऑल एंड पुट इट there in the chat box for all. If it gets copied and if it gets there in the chat box, that would be great, because aap logon ko dobara likhna nahi padega, aap yahan se chat box se le sakte hain.
बेटा जितनी चीजें हमने की हैं वो मैंने आप लोगों को सबको भेज दी है चैट बॉक्स में, आप अपना चैट बॉक्स चेक करिए ताकि आप लोग इसको इजीली अपने लिए लिख सके। हम दूसरे टॉपिक पर आते हैं एंड दैट वाज इंफ्रास्ट्रक्चर या रोड्स कह लीजिए आप। हाँ जी, व्हाट वुड बी द सॉल्यूशंस? सबसे पहले तो मुझे सॉल्यूशंस बताते जाइए जी, आप लोग मुझे दोबारा वही चैट बॉक्स में सॉल्यूशंस भेजते जाएंगे, मैं यहाँ पे लिखता जाऊंगा और फिर आपसे बात करते हैं मजीद इसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी क्या होंगी। जी सॉल्यूशंस फॉर द गुड बैड इंफ्रास्ट्रक्चर। न्यू रोड्स बनाने चाहिए हैं, उसके अलावा इनलीगल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको स्टॉप करना चाहिए। तार कोल बेटर यूज करना चाहिए, ठीक है जी, ये भी ठीक है। बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वो होता है जो हमारे रोड्स वगैरह बन रहे हैं वो किस तरह के बन रहे हैं, क्या उनको बेहतर बनाया जा सकता है, हमारी ये प्रॉब्लम थी। एनीथिंग एल्स विच यू थिंक, कोई और सॉल्यूशन? मुझे यहाँ पे क्लास एंड करनी पड़ेगी बिकॉज आई हैव अनदर क्लास। मैं यहाँ पे इसको आप लोगों के पास चैट बॉक्स में छोड़ रहा हूँ सो दैट यू कैन एक्चुअली हैव इट। अब जो चीज रह गई है हमारे पास जी, दैट इज द आवर रिस्पांसिबिलिटी। मुझे नेक्स्ट क्लास में प्लीज वन ऑफ द स्टूडेंट मस्ट रिमाइंड कि हमने कहाँ पे एंड किया है, उसके बाद हम गाजी डायरी से शुरू करेंगे। याद रखिएगा गाजी डायरी से हमने शुरू करना है। कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं आप लोग, एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क।
गुड, समझ आ गया जी। वी आर जस्ट एंडिंग आवर क्लास। टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट क्लास व्हेनेवर वी आर हैविंग अनदर क्लास। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।